नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बाद अबू धाबी में बिखरी सनातन वाली छटा की हम करेंगे। अब से दो दिन बाद बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर संयुक्त अरब अमीरात के आसमान पर सनातन धर्म का पताका लहराने जा रहा है। 14 फरवरी को अबू धाबी में बने अब तक के सबसे बड़े और भव्य सनातन मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये भी अपने आप में बेहद खास है कि मंदिर का उद्घाटन उसी देश के प्रधानमंत्री के हाथों हो रहा है जिसकी आस्था और संस्कृति के धागों से इस मंदिर की कहानी को बुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी 14 तारीख को भव्य समारोह में अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र बनने जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों इतना खास है ये अबू धाबी का अक्षरधाम मंदिर। अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी आते हैं, अपने ऐसा लगता है जैसे अपने देश में पहले ये चीज मिसिंग होती थी। मैं दुबई में रहूंगी और दुबई में मैं मंदिर जरूर देखूंगी और मैं घंटी भी बजाऊंगी। अब वो दिन आ गया है कि अब हम घंटी बजाएंगे अपने मंदिर में। यहाँ पे हम जो हमारा वक्त देते हैं, हमारी जो आस्था है वो देते हैं, उससे वी आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अबू धाबी में सजेगा श्रीराम का दरबार। अबू धाबी में महादेव लगाएंगे बेड़ा पार। अबू धाबी में गूंजेगा जय जगन्नाथ। अबू धाबी में विराजेंगे तिरुपति के नाथ। धर्म रक्षति रक्षदा, हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, ऐसा हमें पता है। तो जो हमारी संस्कृति है तो वो हमें पूरी तरह से हम भी समझेंगे और बच्चे लोग के समझाए तो उसका जो है वो उसका इफेक्ट तो रहता ही है। लाइफ में मिस होता था, कहीं जाना है, हर संडे कहीं जाना है, कैसे जाए, कहाँ जाए। अभी ये हो गया कि जब भी कुछ भी हो, थोड़ा टाइम भी है, थोड़ी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, तो वो पूरी हो जाती है। ये अमीरात के रेगिस्तान में सनातन आस्था की जीती जागती तस्वीर है। हमारी कल्पनाओं से सुंदर और भव्य अक्षरधाम मंदिर अबू धाबी की धरती पर बनकर तैयार है। 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। ये वो तस्वीर है कभी जिसकी कल्पना करना भी असंभव था, लेकिन आज वही कल्पना अमीरात के रेगिस्तान में हकीकत के धरातल पर उतर चुकी है। सनातन आस्था का ये भव्य प्रतीक अबू धाबी एक शुभ संकेत का शंखनाद कर रहा है। मैसेजिंग क्या है? एक तरफ यहाँ पर यूएई की सरकार ने काफी मदद की, दूसरी तरफ भारतीय सरकार का काफी सपोर्ट रहा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे भारतीय समुदाय के लोग जो यूएई में रहते हैं उनकी बढ़ता सपोर्ट और बढ़ता प्रेजेंस इस मंदिर में नजर आता है। एक जमाना था, यहाँ के लोग कहते हैं, यूएई में भारतीय हिंदू मंदिर बनना नामुमकिन था, लेकिन आज जिस तरीके से दोस्ती बढ़ी है दोनों देशों के बीच, न केवल एक, कई सारे मंदिर आ रहे हैं, लेकिन ये काफी यूनिक मंदिर होगा। हम आपको बताएंगे क्यों। इस भव्य मंदिर की नींव वास्तव में पड़ी थी साल 2015 में, जो प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे। उस समय वहाँ की सरकार ने अपनी जमीन पर सनातन मंदिर के निर्माण की इजाजत और उसके लिए जमीन देने का वादा किया था। वादा निभाते हुए सरकार ने विशाल मंदिर परिसर के लिए पर्याप्त 27 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी। हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में बनने जा रहा है वो 7 शिखर का मंदिर है। 7 शिखर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के 7 एमिरेट्स जो यूएई के अलग अलग राज्य है उसके। ये हमारा तरीका है यहाँ की जो लीडरशिप है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उनको थैंक यू बोलने का, उनको आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने जनरसली हमें 27 एकड़ की जगह यहाँ ये हिंदू मंदिर बनाने के लिए दी है। सो हम लोग सही में यहाँ के जो लीडरशिप है, हिज रॉयल हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके आभारी है
कि उनकी जेनरोसिटी के कारण हमें ये जगह मिली है, और साथ में ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी के भी हम आभारी हैं, जिनके विल और सपोर्ट के कारण हम लोग यहाँ पे ये मंदिर बना रहे हैं। यूं तो अबुधाबी में बन रहे इस मंदिर की संरचना और डिजाइन लगभग वैसी ही है जिस तरह दिल्ली और दुनिया के दूसरे अक्षरधाम मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन मंदिर परिसर का डिजाइन तैयार करते समय यह ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की अलहदा सांस्कृतिक विरासत की झलक एक ही जगह पर दिखाई दे। वैसे मंदिर परिसर के एक हिस्से में आपको रेगिस्तान की झलक दिखेगी, तो वहीं दूसरे हिस्से में बनारस के घाट जैसा नजारा दिखेगा। मंदिर में भारत के अलग अलग हिस्सों में पूजे जाने वाले आराध्य देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें माता सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली समेत प्रभु राम का दरबार शामिल है। भगवान राम के मंदिर में रामायण की नक्काशी की गई है। इसी तरह मंदिर में भगवान शिव, माँ पार्वती, गणपति और कुमार कार्तिकेय के साथ विराजे हैं। भगवान शिव को समर्पित मंडप में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। अबुधाबी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ का मंडप भी बनाया गया है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की दीवारों पर पुरी में हर साल होने वाली भव्य रथ यात्रा की तस्वीरें उकेरी गई हैं। मंदिर में श्री राधा कृष्ण का मंडप भी बनाया गया है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भागवत और महाभारत की नक्काशी की गई है। साथ ही मंदिर में तिरुपति बालाजी, भगवान अयप्पा और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। भगवान स्वामी नारायण, भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर में उनके जीवन, कार्य और शिक्षाओं को अंकित किया गया है। ये मंदिर पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मंदिर में जो 7 शिखर है उसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण और हर जगह से यहाँ पे जो मुख्य देवी देवता है उनको स्थान दिया जाएगा। और जो 7 मुख्य देवी देवता हैं उसमें साउथ इंडिया से लॉर्ड अय्यप्पा जी भी हैं, तो उनकी मूर्ति भी केरला में जो उनके ट्रेडिशनल वे से जो बनाई जाती है पंच धातु से, उसी हिसाब से बनाई गई है। सिमिलरली लॉर्ड जगन्नाथ जी है, वो भी उड़ीसा में जैसे मंदिर वहाँ पे है और उनकी जो ट्रेडिशन हिसाब से बनती वही बन के वो मूर्ति वहाँ से आएगी। इसी तरह ये 7 मूर्तियाँ इंडिया में उनके स्थान पर, मुख्य स्थान पर ट्रेडिशनल वे से बन के वो यहाँ पे आएगी, जिसे भक्त जब यहाँ पे दर्शन करने आएंगे उनको वही भाव होगा जो जब वो इंडिया मंदिर में जाते हैं, और उनको जो भाव होता है वही भाव और भक्ति से वो यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। अबुधाबी मेन सिटी से करीब 30 मिनट दूर अलवाथवा में इस मंदिर को बनाया गया है। खास बात यह है कि मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके निर्माण में सनातन धर्म के प्रतीकों और परंपराओं के समावेश का खास ध्यान रखा गया है। मंदिर के चारों ओर भारत की पवित्र नदियों के प्रतीक के रूप में उनके जल से जन्मी धाराओं को प्रवाहित किया गया है। गंगा नदी मंदिर के दाहिनी ओर जा रही है, तो वहीं यमुना नदी मंदिर के बाईं ओर जाती दिखती है। इसके लिए इन पवित्र नदियों का जल भारत से अबुधाबी लाया गया था। मंदिर के जिस भाग से गंगा नदी गुजरती है वहाँ वाराणसी जैसा घाट बनाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 8 मूर्तियां बनाई गई हैं, जो विश्वास, दान और प्रेम जैसे उन 8 मूल्यों का प्रतीक हैं, जिन पर हमारा सनातन धर्म आधारित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में उन ऐतिहासिक शख्सियतों, संतों और आचार्यों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं, जिन्होंने इन मूल्यों को बनाए रखने की राह दिखाई है। मंदिर में आदमकद पैनल्स पर सार्वभौमिक मूल्यों को दर्शाने वाले वाक्य, विभिन्न संस्कृतियों के सद्भाव की कहानियां दर्शाते चित्र भी लगाए गए हैं। इस मंदिर के निर्माण का काम 2019 में बेहद तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन बीच में कोरोना के कारण निर्माण की रफ्तार सुस्त हो गई, लेकिन इसके बाद काम ने रफ्तार पकड़ी और मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर की बनावट, इसके हर पत्थर पर उकेरी गई शानदार नक्काशी पर हिंदुस्तानी कारीगरों का हुनर चमक रहा है। जो अगर बात करें तो उसके जो एक्सटीरियर, जो बाहर का पत्थर है वो राजस्थान से आता है, वो पिंक सैंडस्टोन है। अंदर जो पत्थर यूज होता है वो इटालियन मार्बल यूज होता है। अगर ये पत्थर की बात करें तो ये स्पेशली ऐसे पत्थर हमने पिंक सैंडस्टोन सेलेक्ट किया हुआ है जो 55 डिग्री टेम्परेचर को विथहोल्ड कर सकता है। और आपको जान के खुशी होगी कि करीबन 3000 से ज़्यादा कारीगर राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में अपने हाथ से ये पत्थर को तराशते हैं, और करीबन 3 साल से ये पत्थर तराशने का काम वहाँ पर चल रहा है। उसके बाद वहाँ पर पत्थर को ड्राई फिटिंग करने के बाद उसको यहाँ अबुधाबी, दुबई भेजा जाता है, जहाँ पे करीबन 150 से ज़्यादा कारीगर इस पत्थर को, जैसे हम छोटे बच्चे जिक्सो पजल करते हैं, सेम उसी तरीके से ये मंदिर को एग्जैक्टली स्टोन कनेक्टेड विद स्टोन ये पूरा मंदिर
बनाया जाता है और यहाँ से ऐसे 150 कारीगर ये रह के ये मंदिर का काम लास्ट 2 साल से कर रहे हैं। बता दें कि पारंपरिक नागर शैली में बने इस मंदिर के आर्किटेक्चर की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। वास्तव में अबू धाबी का ये मंदिर सिर्फ अमीरात में रह रहे भारतीय समुदाय का ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर संस्कृतियों और समाजों के मेल का भी प्रतीक है। और ये जो BAPS हिंदू मंदिर है ये यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल बन रहा है UAE रीजन में। और इसकी विशेषता ये है कि आप देखेंगे कि ये जो जमीन है जहाँ पे ये BAPS हिंदू मंदिर बन रहा है वो मुस्लिम राजा ने भेंट दी गई है। यहाँ के जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो क्रिश्चियन थे और यहाँ के जो मंदिर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ की जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी है, जो कंपनी है प्रोजेक्ट की, वो पारसी ओनर के पास है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस मंदिर में, BAPS हिंदू मंदिर में पहली बार एक 3D प्रिंटिंग वॉल बनाई जा रही है और ये पूरी वॉल बोहरी कम्युनिटी से गिफ्ट में, सौगात में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर जो है उसमें सारी कम्युनिटीज एक साथ जुड़ गई है और ऐसे ये एक स्पिरिचुअल ओएसिस ऑफ ग्लोबल हारमोनी है जो UAE की इस भूमि पे बन रहा है। आने वाले वक्त में ये भव्य मंदिर न केवल अबू धाबी में सनातन धर्म का प्रकाश फैलाएगा बल्कि ये भारत और UAE की दोस्ती की मिसाल बनकर भी उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उद्घाटन के बाद संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग इस मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकेंगे। बल्कि अगर अगली बार आप भी अबू धाबी घूमने जाए तो वहां आपको इस मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन हो सकेंगे। अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल UAE पहुंचेंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की पहल और कोशिश का ही ये नतीजा है जो आज इस मंदिर के रूप में हम सबके सामने है। साल 2015 में अपनी UAE विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस सपने के बीज बोए थे और आज ये अरब की धरती पर हकीकत बन चुका है। बुधवार को जब भारत बसंत पंचमी का पावन पर्व मना रहा होगा उस दिन भव्य अक्षरधाम मंदिर के रूप में अमीरात की धरती पर सनातन का उदय होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे जिसके लिए वो मंगलवार को UAE रवाना होंगे। अपने दौरे में PM वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की UAE के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं से भी मुलाकात होगी। If you look at each block of the temple, it's a work of love, it's a work of skill by thousands and thousands of Indian artisans. I used to visit the temple very often during the construction phase. Thousands of devotees in this country, also thousands of Indians, diaspora, which has been visiting here, visiting the temple during the construction phase, have actually put bricks using their own hands. पिछले साल दिसंबर में धार्मिक संस्था BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर समिति ने ये न्योता दिया था। यह अबू धाबी में पहला बड़ा हिंदू मंदिर है। यहाँ रहने वाले भारतीय भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे तब वहाँ की सरकार ने मंदिर को जमीन देने का वादा किया था। दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में ये एक अहम मोड़ था। PM मोदी ने UAE सरकार के इस युगांतकारी फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया था। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी शिला पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अब ये मंदिर बनकर तैयार है और PM मोदी उद्घाटन के ऐतिहासिक लम्हे के साक्षी बनने वाले हैं। Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi is specially flying in to inaugurate this temple, which he actually initiated in 2015. 14 फरवरी के उस लम्हे पर सारी दुनिया की नजर होगी। ये न केवल अमीरात की धरती पर सनातन मंदिर के उद्घाटन का अवसर होगा बल्कि ये दुनिया के सामने UAE और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का उत्सव भी होगा।
हमने देखा है कई देशों से लोग यहाँ पर आके इस मंदिर को देख रहे हैं, कई एम्बेसडर्स आ रहे हैं, लेकिन जब यूएई सरकार से हाई डेलीगेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे इनॉग्रेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बस भारत और यूएई के बढ़ते रिश्तों को नहीं बल्कि जो कम्युनिटीज है उनके हार्मनी को कैसे जोड़ता है ये मंदिर, मजहबों को कैसे जोड़ता है ये मंदिर, अलग अलग देशों से लोगों को, और कैसे जोड़ रहा है ये मंदिर यूएई और इंडिया को, उसको दर्शाता है। अबुधाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली, गुजरात, न्यूजर्सी और दुनिया की दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है, लेकिन इस मंदिर में ये खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक एक साथ दिखे। इस मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि इसमें इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर परिसर में 5000 लोगों की क्षमता वाला कम्युनिटी हॉल है। जाहिर है विदेशी धरती पर बना ये खूबसूरत मंदिर न सिर्फ हिंदू आस्था का बड़ा प्रतीक है बल्कि यहाँ से शांति और वसुधैव कुटुंबकम का भी बड़ा संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे सिर्फ मंदिर का उद्घाटन ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यूएई विजिट के कार्यक्रम में और कई अहम काम शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 दिवसीय है। कल यानी कि 13 फरवरी को प्रधानमंत्री यूएई पहुंचेंगे और 14 की शाम उनकी वापसी है। बता दें कि 2015 से अब तक ये प्रधानमंत्री मोदी का 7वां यूएई दौरा है जबकि पिछले 8 महीनों में ये तीसरा मौका है जब पीएम यूएई पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से इस दौरे का हाई पॉइंट में 14 फरवरी को आबूधाबी में भव्य स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन ही रहेगा, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए आबूधाबी की जायद स्पोर्ट्स सिटी में खास कार्यक्रम रखा गया है जहां प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। इस दौरे में प्रधानमंत्री दुबई में हो रही वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भी भाग लेंगे। इस साल की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाषण देने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूएई के शासक और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद से मुलाकात भी प्रधानमंत्री के एजेंडे में शामिल है। दोनों देशों के नेता भारत और यूएई के संबंधों को बेहतर बनाने और रणनीतिक साझेदारी पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में वैसे भी दोनों देशों के ताल्लुकात काफी बेहतर हुए हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान कई अहम बातों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।